गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के सेकेंड पार्ट से। इस पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करने के बाद बनाया जाता है। अब इसको क्यों बनाया जाता है कि जो प्रॉफिट आते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमने उन प्रॉफिट्स को साझेदारों के बीच में क्या करना है, बांटना है। तो इस उनको बांटने के लिए ही इस अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो इस अकाउंट को मेंटेन करती है फर्म मेंटेन करेगी। तो फर्म के लिए जो खर्चे होंगे पार्टनर से संबंधित वो सब डेबिट साइड में, और जो इनकमें होंगी फर्म को पार्टनर से वो सब कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। तो इस अकाउंट की शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। अगर प्रॉफिट हो तो वो क्रेडिट साइड में बताए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ बताए हुए हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ से आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है। और अगर लॉस हो तो लॉस को हम कहाँ बताते हैं, डेबिट साइड में हम बताते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद हम जैसे खर्चे देखते हैं फर्म के लिए कौन कौन से खर्चे हैं। तो सबसे पहला खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब फर्म क्या करती है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है पार्टनर ने उनके ऊपर क्या करती है, इंटरेस्ट ब्याज देती है। तो ब्याज का लेखा यहाँ किया जाता है इंटरेस्ट का। उसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है, सैलरी मतलब कोई काम करता है वहाँ पर ऑफिस में काम करता है तो उसको सैलरी दी जाती है पार्टनर को, उसका लेखा भी यहाँ किया जाता है। किसी पार्टनर्स को कमीशन दी जाती है, किसी पार्टनर्स को बोनस दिया जाता है, तो वो सारे का सारा जो है एंट्रीज यहाँ पर की जाती है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और अब फर्म को पार्टनर से सिर्फ एक ही इनकम होती है, वो कब, जब कोई पार्टनर ड्रॉ कर लेता है फर्म से तो उसको फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है तो वो इस तरफ क्या कर देते हैं, क्रेडिट साइड में बता दिया जाता है। और इसके बाद अगर जैसे सभी जो पार्टनर हैं वो मिलकर तैयार हो जाए भविष्य में रिजर्व रखने के लिए कि नहीं हमने सारे का सारा प्रॉफिट नहीं बांटना है, कुछ हमने रिजर्व भी रखना है, ठीक है, ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो फिर रिजर्व भी रखा जाता है। फिर उसके बाद जब हम रिजर्व रखते हैं उसके बाद फिर हम इसका बैलेंसिंग करते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं क्रेडिट का डेबिट साइड से। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तब हमारे को प्रॉफिट होते हैं, और व्हेन द डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तब हमारे को क्या होते हैं, लॉस। और उन प्रॉफिट और लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल में और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर लॉस हुआ तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये था प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम डिस्कस करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। तो पार्टनर जो है अपने कैपिटल को टू टाइप से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला ऐसा है कि जितने पार्टनर्स हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एक ऐसा डिसीजन लेते हैं। और दूसरा वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी जो है पूंजी फ्लेक्सिबल हो जाए, कोई चक्कर नहीं है, मतलब उसमें हम चेंज कर देंगे। तो जब पार्टनर ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो पूंजी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो उसको हम स्थायी पूंजी खाता जैसे जो है बोलते हैं, जब मतलब चेंज हो जाएगा तो उसको फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो स्थायी पूंजी खाते में दो अकाउंट आपके मेंटेन करने पड़ते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक क्या बनता है, करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएशंस में मतलब एक ही बनता है आपका, कैपिटल अकाउंट ही बनता है। तो हम इसके बारे में मतलब जैसे जो है ध्यान से अब देखते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है तो उसमें टू अकाउंट्स आपके मेंटेन किए जाते हैं, एक किया जाता है कैपिटल अकाउंट और एक किया जाता है करंट अकाउंट। तो आपको पता ही है कि जो कैपिटल है, ठीक है, वो हमारी जैसे जो है लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो जो अकाउंट्स है इसमें पर्टिकुलर्स ए पार्टनर बी सी, हमने ऐसा माना है कि जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें कितने पार्टनर है, थ्री का हमने एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्या होती है, क्रेडिट साइड।
तो इसकी शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस से। किससे? ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये शुरू में कितने कैपिटल है उसको हम यहां पर लिख देंगे। और इसके बाद अगर फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, फिर से कैपिटल क्या हुई इंट्रोड्यूस, फिर से लगाई, तो एंट्रीज क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसके मुताबिक बाय कैश आ जाएगा। अगर दोबारा से कैपिटल क्या की हुई है, लगाई हुई है, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी, तो ये आ जाती है क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में अगर वो कैपिटल को क्या कर देते हैं, विड्रॉ, कैपिटल को ही निकाल लेते हैं, तो जितने कैपिटल निकाली वो हम कहां बता देते हैं, डेबिट साइड में बता देते हैं। और फिर हम इनका बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस के बाद हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल जो है यहाँ पर आ जाती है। तो जितनी हमारी शुरू में रहती है उतनी ही रहती है लास्ट में। इसमें हमारा पूंजी में कोई भी चेंज नहीं होता है, और इसमें कोई भी एंट्रीज एडजस्टमेंट्स वगैरह इसमें इस अकाउंट में नहीं होती है। फिर इसके साथ हमारे को एक इकट्ठा, ये फर्स्ट है, और सेकेंड हमारे को इसके साथ क्या बनाना पड़ता है, करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अब देखते हैं करंट अकाउंट कैसे बनता है। इसमें सारी की सारी एंट्रीज इसमें ही काम करते हैं। तो इसकी शुरुआत भी होती है बाय बैलेंस से। बाय बैलेंस मतलब पिछले साल का करंट अकाउंट का कितना बैलेंस था वो हम यहां पर पहले ब्रॉट डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये बन रहा है किसका बन रहा है, ये बन रहा है पार्टनर्स का। तो ये हमारी होती है डेबिट साइड एक्सपेंसेस की, और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, ये होती है इनकम की। तो जो जो इनकम्स होती है ये पार्टनर बना रहे हैं, पार्टनर्स का बन रहा है, तो जो इनकम है वो सारी की सारी कहां आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो ये आप इसको देखने से पहले यहां देखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पार्टनर्स को क्या किया, इंटरेस्ट दिया, सैलरी दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, तो ये सारे का सारा यहां पर हमने कहां बताया था, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों, क्योंकि इसको फर्म बना रही है और फर्म के लिए क्या है, खर्चे। और अब ये सारे के सारे जो हैं, जिस पार्टनर को मिला हुआ है वो सारे का सारा उसके अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हमने तीन पार्टनर्स का एग्जांपल लिया हुआ है, तो ए का ए में, बी का बी में, सी का सी में ऐड हो जाएगा। वैसे सैलरी जिस पार्टनर को मिल रही है, ठीक है, उसका उसमें ऐड कर देंगे। वैसे ही बोनस आएगा, वैसे ही कमीशन आएगी, तो जिस पार्टनर को जो मिल रही है हम उसमें क्या कर देंगे, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में हम बताएंगे ड्रॉइंग, ड्रॉइंग आहरण, जैसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकाला तो वो ड्रॉइंग आ जाएगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो वो आहरण पर ब्याज दे रहे हैं, उसको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड में जैसे क्या कर देंगे, बता देंगे। तो ये जो एंट्रीज हैं यहां तक, ये हम इनको करेंगे। फिर इनको करने के बाद फिर यहां से अगर हमारे को प्रॉफिट आया हुआ है, क्या आया है, प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट को यहां जमा कर देंगे। ये जो प्रॉफिट है ये आ रहा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और अगर हमारे को लॉस आ रहा है तो लॉस को डेबिट साइड में हम यहां क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। और जैसे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो अगले साल जैसे ही हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, तो उस वक्त ये क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ऐसा ऐसा मतलब जैसे जो है वो चलता रहेगा। तो आपको क्या बताया मैंने कि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो होते हैं टू टाइप्स के, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड मतलब आपको मैंने बता दिया उसमें दो बनते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाता है, तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना बनाया जाता है, एक अकाउंट। तो बस ये इसके भी डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, जो मतलब खर्चे होते हैं पार्टनर्स के वो, और क्रेडिट साइड में हम इसकी क्या करते हैं, जो इनकम से होती है वो। तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है, जो बैलेंस है, जो क्लोजिंग था और इस बार कैपिटल का ओपनिंग है, उससे इसकी क्या होती है, शुरुआत। तो हम बैलेंस कर देते हैं ब्रॉट डाउन कि पिछले साल हमारे पास लास्ट में कैपिटल कितनी थी। तो ए का ए में, बी का बी में, सी का सी में, हमने ऐसा माना है कि तीन पार्टनर हैं, तो इनका हम बैलेंस क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन। और ब्रॉट डाउन क्यों करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज का होता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए इनकी शुरुआत किस तरफ होती है, क्रेडिट साइड से होती है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर फिर से कैपिटल लगाई, इस साल जरूरत पड़ गई और किसी फर्म ने क्या किया, कैपिटल दिया, तो उसको भी हम बाय कैश और क्या कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो जो पार्टनर्स को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, बोनस के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, जिस पार्टनर को मिल रहा है उस उसके अकाउंट में हम क्या करते जाएंगे, क्रेडिट इकट्ठे ही। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जैसे आपका पार्टनर्स की सैलरी होगी किसी की,
कमीशन हो गया, बोनस हो गया, तो हम सारे का सारे क्या करते जाएंगे, ये ऐड करते जाएंगे। और इसके डेबिट साइड में क्या आएगा, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर वो निकालते हैं अपने प्रयोग के लिए और जो निकाला है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो इस तरफ आ जाएगा। अब ये जो है अमाउंट, ये कहां से आता है, ये आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अगर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर हम जैसे कंपैरिजन करेंगे लास्ट में, तो कंपैरिजन करने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम है तो ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन, और ये जो है बैलेंस ये अगले साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये था मतलब हमारे जो है कैपिटल अकाउंट। अब हम जैसे ऐसा करते हैं कि ये जो टू टाइप्स से हम अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला चेंज इन कैपिटल, तो चेंज इन कैपिटल जो हमारा स्थायी पूंजी खाता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, जैसी कैपिटल शुरू में रहती है वैसी कैपिटल के रहती है लास्ट में। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल शुरू में रहेगी वो फिर लास्ट में नहीं रहेगी, इसमें क्या हो जाता है, चेंज परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा जो है नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो जो आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें कितने अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, टू, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। और इसमें कितने अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, इसमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट ही क्या किया जाता है, इसमें मेंटेन किया जाता है। फिर जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो इसमें जैसे क्या होता है कि सिर्फ जो पहला अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, कैपिटल की, ओपनिंग और क्लोजिंग की। और इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट जैसे आपके सैलरी, बोनस, कमीशंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सब का लेखा कहाँ करते हैं, हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करते हैं। और जबकि इसमें इकट्ठा ही एक ही जगह के कर दिया जाता है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग कर दी जाती है, मतलब कैपिटल की भी और जो अदर ट्रांजेक्शन है उनकी भी कर दी जाती है। फिर आ जाता है आपका बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो बैलेंस है वो मतलब आपका जो है, जो आपका कैपिटल अकाउंट है, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, स्थायी पूंजी खाता, इसका बैलेंस हमेशा कैपिटल का क्रेडिट रहता है, कौन सा रहता है, क्रेडिट। और जो आपका जो है परिवर्तनशील पूंजी खाता है, इसका जो बैलेंस है वो आपका क्या हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। तो ये था मतलब जैसे डिफरेंस किसमें, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में। तो आज की हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के कितने टाइप से मतलब रख सकते हैं और टाइप को चूज करना उनके हाथ में है, ठीक है। और हमने फिर डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।